हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है दिनेश और आप देख रहे हैं स्टडी एज ए यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आप फ्रेशर हैं तो ये वैकेंसी आपके लिए काफी अच्छी रहने वाली है। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड की तरफ से प्रोविजनरी ऑफिसर की वैकेंसीज का नोटिफिकेशन आ चुका है। काफी अच्छी वैकेंसीज रहने वाली है। सिलेक्शन प्रोसेस इसमें क्या रहेगा, कौन कौन से कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे, सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक वॉच करें, वीडियो इंपॉर्टेंट लगता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। और अगर पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही लेटेस्ट जॉब अपडेट के लिए। डेली ऐसी ही लेटेस्ट जॉब अपडेट आपको प्रोवाइड की जाती है इस चैनल पर ऑफिशियल नोटिस के साथ में। तो बिना आपका टाइम वेस्ट किए करते हैं आज की इस अपडेट को स्टार्ट। तो दोस्तों, अगर हम यहां पे बात करें इनके ऑफिशियल नोटिस की, तो यहां पर आप देख सकते हैं ये भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड की तरफ से निकाला गया ऑफिशियल नोटिस है। यहां पर आप देख सकते हैं 4/10/2023 के दिन ये नोटिस निकाला गया है। इनका एडवर्टाइजमेंट नंबर आप देख सकते हैं, ऑल इंडिया लेवल पे वैकेंसी रहने वाली है। यहाँ पे भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड की तरफ से ये वैकेंसी निकाली गई है, जो की काफी अच्छी कंपनी है, नवरत्न PSU कंपनी है, इसमें ये वैकेंसी रहने वाली है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें पे स्केल आपका, इमोलुमेंट्स एंड अदर फाइनेंशियल बेनिफिट्स जो आपको दिए जाएंगे वो सारे आपको डिटेल में दिए गए हैं। यहाँ पे वैकेंसी जो रहेंगी, प्रोविजनरी इंजीनियर की वैकेंसी रहेंगी, E2 ग्रेड यहाँ पे रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं 205 यहाँ पे पोस्ट रहेंगी जो कि आपकी प्रोविजनरी इंजीनियर के लिए रखी गई है। एंड प्रोविजनरी ऑफिसर HR के लिए आपकी 12 पोस्ट रहेंगी, प्रोविजनरी अकाउंट्स ऑफिसर के लिए 15 पोस्ट रहेंगी। इसके लिए आपको बेसिक पे जो आपकी रहेगी 40,000 से लेके 1,40,000 तक रहेगी। एंड CTC आपका इसमें अप्रोक्सीमेट 12 लाख से 12.5 लाख तक आपका रहेगा, जो कि काफी अच्छा CTC आपको फ्रेशर के लिए दिया जा रहा है। 25 मैक्सिमम एज रहेगी इसमें आपकी, 35 रहेगी प्रोविजनरी अकाउंट ऑफिसर के लिए। अलाउंसेस जो आपको दिए जाएंगे वो सारे अलाउंसेस आपको यहाँ पे दिए गए हैं। DA HRA कन्वीनियंस अलाउंस आपका रहेगा, परफॉर्मेंस रिलेटेड अलाउंसेस आपको दिए जाएंगे, रिवर्समेंट आपको दी जाएगी यहाँ पे। एंड अदर आपके यहाँ पे जो वो आपको जो आपका दिए जाते हैं यहाँ पे सारे आपको यहाँ पे बेनिफिट्स दिए जाएंगे। डिटेल जो आपकी रहेगी यहाँ पे वैकेंसीज की, यहाँ पे प्रोविजनरी इंजीनियर के लिए 124 वैकेंसीज आपकी BE BTech BSc इंजीनियरिंग वालों के लिए रखी गई हैं, जो कि इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में जिन्होंने कर रखी है उनके लिए यहाँ पे 124 वैकेंसीज है, जो की काफी अच्छी वैकेंसीज है आपके लिए। एंड प्रोविजनरी इंजीनियर BE BTech मैकेनिकल इंजीनियर वालों के लिए 63 वैकेंसीज यहाँ पे रखी गई है। अगर आपने डिग्री कर रखी है, BSc इंजीनियरिंग कर रखी है मैकेनिकल में, BTech कर रखी है, बैचलर इंजीनियरिंग कर रखी है, तो काफी अच्छी आपके लिए वैकेंसीज रहने वाली हैं। उसके अलावा जो यहाँ पे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के लिए वैकेंसीज रहेंगी वो 18 वैकेंसीज यहाँ पे दी गई है। नेक्स्ट आपकी यहाँ पे प्रोविजनरी ऑफिसर के लिए, अगर आपने 2 ईयर की MBA कर रखी है, MSW कर रखी है, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री कर रखी है, या आपने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट में कर रखा है, इंडस्ट्रियल रिलेशन में, पर्सनल मैनेजमेंट में, तो आप यहां पे अप्लाई कर सकते हैं। प्रोविजनरी अकाउंट ऑफिसर के लिए अगर आपने CA कर रखी है, CMA फाइनल कर रखी है, तो आप यहां पे एलिजिबल होंगे फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। और काफी अच्छी वैकेंसीज हैं यहां पर आप देख सकते हैं, फ्रेशर कैंडिडेट के लिए वैकेंसीज दी गई हैं। रिजर्वेशन जो आपकी रहेगी 232 वैकेंसीज की, जिसमें से 96 आपकी अनरिजर्व के लिए, 62 OBC के लिए, 34 SC के लिए, ST के लिए 17 एंड 23 आपकी EWS कैटेगरी के लिए रहेंगी। एलिजिबिलिटी यहाँ पे जो आपकी क्वालिफिकेशन रखी गई है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, प्रोविजनरी इंजीनियर के लिए आपका, आपको मैंने बता दिया है यहाँ पे, जिन्होंने फर्स्ट क्लास AMI, AMITE उसके अलावा GITE कर रखी है तो यहाँ पे वो अप्लाई कर सकते हैं। SC ST PWD कैंडिडेट्स भी यहाँ पे जो वो अप्लाई कर पाएंगे। अदर जो इक्विवेलेंट डिसिप्लिन वाले हैं वो यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं, वो यहाँ पे आपको बताया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे प्रोविजनरी ऑफिसर के लिए भी आप देख सकते हैं, जिन्होंने अनरिजर्व OBC NCL EWS कैंडिडेट जो रहेंगे फर्स्ट क्लास में, MBA कर रखी है, वो अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे जो अब बाकी कैंडिडेट्स के लिए पासिंग मार्क्स भी आपके यहाँ पे अगर आपने कर रखे हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। जो यहाँ पे आपकी ब्रांचेस दी गई है, लेबर लॉ, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, यहाँ पे 5 ब्रांचेज आपको दी गई है। सब्जेक्ट जो भी आपके रहेंगे HR में वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। बाकी प्रोविजनरी अकाउंट ऑफिसर के लिए जो पास क्लास रहेंगे CA CMA फाइनल आपने कर रखी है चार्टर्ड अकाउंटेंट में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एज क्राइटेरिया आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया है, 25 और 30 रहेगा मैक्सिमम एज का, जो कि आप यहां पे देख सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको कुछ यहां पे पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। बाकी यहाँ पे जो आपका रहेगा वो आपका सिलेक्शन प्रोसेस भी बता देता हूँ। नंबर ऑफ पोस्ट आपको मैंने बता दी है, 232 वैकेंसीज हैं जिसके लिए आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। प्लेस ऑफ पोस्टिंग जो आपकी रहेगी वो आपके BEL ऑफिस एंड यूनिट में रहेगी, जो कि बेंगलुरु
गाजियाबाद, पुणे, हैदराबाद, तेलंगाना, उसके अलावा चेन्नई तमिलनाडु में, एंड माचीपलपुरम आंध्र प्रदेश में, एंड पंचकुला आपका हरियाणा में, एंड कोटवाड़ा आपका उत्तराखंड में, नवी मुंबई महाराष्ट्र में आपके रहने वाले हैं, वहां पे आपकी जो प्लेस ऑफ पोस्टिंग रहेगी। लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन की बात करें तो 28 अक्टूबर आपकी रहेगी, तब तक आवेदन कर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस इसमें जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एनसीएल कैंडिडेट्स के लिए 1180 रुपीज रहेगी, बाकी अदर कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे कोई भी फीस नहीं रखी गई है। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स यहाँ पे एग्जेम्पशन रहेंगे फीस के लिए। मेथड ऑफ सिलेक्शन जो आपका रहेगा वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पे अप्लाई करेंगे उनको शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा एंड कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। सीबीटी टेस्ट आपका यहाँ पे रहेगा, बाद में आपका जो वो यहाँ पे इंटरव्यू भी लिया जाएगा, तो सीबीटी के बेसिस पे आपका रहेगा यहाँ पे सिलेक्शन। जो भी यहाँ पे कॉल लेटर रहेगा वो आपको बाय ईमेल या बाय आपको कन्वेंशनल मेल के थ्रू बता दिया जाएगा। सॉरी, यहाँ पे जो आपका कॉल लेटर रहेगा वो आपको बाय मेल यहाँ पे सेंड नहीं किया जाएगा, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा कॉल लेटर। आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से ही डाउनलोड कर सकते हैं, बाय मेल आपको कोई भी यहाँ पे इनका कॉल लेटर नहीं आएगा। जो सीबीटी टेस्ट यहाँ पे रहेगा वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मंथ ऑफ आपका दिसंबर 2023 में लिया जाएगा, तो इसकी डेट आप याद कर सकते हैं या तो उसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं जिन भी कैंडिडेट ने फॉर्म को अप्लाई करना है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो आपका रहेगा वो एनेक्सर वन में आपको सारा दिया गया है। इसके 5 टेस्ट सेंटर्स रहेंगे, जो कि आपको मैं बता देता हूँ, नियरेस्ट जहाँ पे भी प्लेस आपका रहेगा वो वहाँ पे आपको सेंटर देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आपका देख सकते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप आपका पेपर रहेगा, वो आपको मैं आगे इसका बता देता हूँ। फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे आपको बताया गया है ऑनलाइन, आपको यहाँ पे जो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट से ही अप्लाई करना है। कोई आपको हार्ड कॉपी यहाँ पे सेंड नहीं करनी है, कोई आपको प्रिंट आउट नहीं लेना है। तो आपको डायरेक्ट अप्लाई करने के लिए अपना ईमेल एड्रेस या फिर अपना ईमेल आईडी एंड अपना मोबाइल नंबर से लॉगिन कर लेना है। डायरेक्ट आपको स्टेप वन कैसे आपको यहाँ पे लॉगिन करना है वो भी आपको बताया गया है। स्टेप टू आपका रहेगा, ये सारे स्टेप आप यहाँ पे देख सकते हैं। ऑनलाइन ही आवेदन करने का आपको मोड यहाँ पे दिया गया है। शॉर्ट लिस्टिंग का यहाँ पे 30% मिनिमम स्कोर आपका रहेगा एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए, ओबीसी एंड एनसीएल एंड जनरल कैंडिडेट्स के लिए 35% का रहेगा। इसके लिए ऑनलाइन आपके ऑल इंडिया कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, काफी अच्छी वैकेंसीज हैं, इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। बाकी फोन नंबर आपको दिया गया है, टोल फ्री नंबर है, आप कभी भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, कोई क्वेरी लेनी हो आप तो उस पर ले सकते हैं। लिस्ट ऑफ एग्जाम सेंटर की बात करें तो ऑल इंडिया में आपको काफी ज्यादा यहाँ पे एग्जाम सेंटर देखने को मिल जाएंगे। आप यहां पे देख सकते हैं अप्रॉक्सीमेट 93 सेंटर आपको देखने को मिल जाएंगे जिसमें आप जो अपना एग्जाम दे सकते हैं, और ये आपके लिए सबसे ज्यादा यहां पे अच्छी बात है कि आप अपने नियर बाई कोई भी अपना एग्जाम सेंटर जो वो ढूंढ सकते हैं। उसके अलावा आपका जो आपका यहां पे स्पेशलाइजेशन रहेगी वो आप देख सकते हैं, मैकेनिकल में आपकी कौन कौन सी स्पेशलाइजेशन अगर आपने कर रखी है तो उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। सीबीटी टेस्ट आपका बायलैंग्वेज रहेगा, हिंदी एंड इंग्लिश में, इसमें जो आपका टेस्ट रहेगा वो आप देख सकते हैं, कोई भी आप टेस्ट सेंटर यहाँ पे जो वो चूज कर सकते हैं। आपका जो यहाँ पे टेस्ट सेंटर्स रहेगा वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, 93 आपको मैंने बता दिए हैं। नेक्स्ट आपको फीस वीस की बता दी है मैंने, बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। इनका ऑफिशियल नोटिस आप इनकी वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं या मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, और ऐसी ही लेटेस्ट जॉब अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकती हैं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।